चलिए मूव करते हैं प्रैक्टिकल पे। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है practical.html, इसे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये फाइल हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से शो कर रही है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ये कंटेंट है जस्ट से नो, मैं चाहती हूँ कि ये कोट्स में आए और जो ये पैराग्राफ है ये आए ब्लॉक कोट में। चलिए कोड में देखते हैं क्या चेंज होगा। इस फाइल को एडिट करते हैं हम। ये देखिए, ये मेरी फाइल है। अब हमें पहले क्या करना है, जस्ट से नो को कोट्स में डालना है। ये हमारा कंटेंट, इसके स्टार्टिंग में हम लगाएंगे क्यू टैग स्टार्ट एंड क्यू टैग क्लोज। और हमें कौन सा पैराग्राफ ब्लॉक कोट में डालना था, ये वाला पैराग्राफ, तो हम इसको डाल देते हैं ब्लॉक कोट में। ब्लॉक कोट टैग स्टार्ट एंड ब्लॉक कोट टैग विल क्लोज हेयर। सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, जहां हमने क्यू टैग यूज किया था कोट के लिए, वहां पे ब्राउजर ने हमें डबल कोट शो कर दिए हैं। और जहां हमने यूज किया था ब्लॉक कोट टैग, वहां पे ये देखिए, पहले कुछ स्पेस यहाँ पे हमें शो हो रहा है, उसके बाद ये ब्लॉक कोट वाला कंटेंट शो हो रहा है। तो ये डिफरेंस है कि क्यू टैग आपके कंटेंट को किस तरीके से शो करेगा और ब्लॉक कोट टैग आपके कंटेंट को किस तरीके से शो करे। सभी ब्राउजर में सेम तरीके से ये शो करे ये श्योर नहीं है, ये ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी कर सकता है। अगर हम इसके कोड को देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि पैराग्राफ टैग के अंदर हमने ब्लॉक कोड टैग को यूज किया है, लेकिन ब्लॉक कोड तो खुद एक पैराग्राफ की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम यहाँ से पी टैग हटा दें तो भी इसका ब्राउजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए इसको चला के देखते, ये पी टैग हटा दिए, इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। हमने पी टैग हटा दिया लेकिन यहाँ पे कोई फर्क हमें नहीं दिखा, मीन्स पी टैग के बिना भी ये सेम वर्क करेगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि पैराग्राफ टैग के अंदर हम ब्लॉक कोड टैग यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्या ब्लॉक कोड टैग के अंदर हम पी टैग यूज कर सकते हैं या करना चाहिए? जब हम एक या एक से ज्यादा पैराग्राफ को कोट करेंगे तो बिल्कुल हम ब्लॉक कोड के अंदर अपने डिफरेंट पैराग्राफ्स के लिए पी टैग यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर मैंने क्यू टैग की जगह ब्लॉक कोड टैग और ब्लॉक कोड टैग की जगह क्यू टैग यूज किया तो ब्राउजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए क्यू की जगह हम ब्लॉक कोड लिख देते हैं और यहाँ पे ब्लॉक कोड की जगह हम लिख देते हैं क्यू टैग स्टार्ट एंड क्यू टैग क्लोज। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, जहां हमने ब्लॉक कोड टैग यूज किया, क्योंकि ब्लॉक कोड टैग एक न्यू पैराग्राफ की तरह बिहेव करता है, तो इसने हमारे जस्ट से नो वाले टेक्स्ट को एक न्यू पैराग्राफ में शो कर दिया। और जो हमारा क्यू टैग था वो हमने इस पैराग्राफ पे लगाया, तो क्यू टैग रनिंग टेक्स्ट के लिए यूज होता है और उसके दोनों साइड में वो हमें डबल कोट्स प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए, ये एक नॉर्मल पैराग्राफ है और जिसमें ये क्यू टैग ने दोनों साइड डबल कोट्स हमें शो कर दिए।